दोस्तों पिछले कुछ समय से क्लाइमेट चेंज की खबरें काफी सुर्खियों में रहती हैं। जहां एक और हर एक देश दूसरे देश पर क्लाइमेट चेंज के लिए इल्जाम डाल रहा है, वहीं हम और आप जैसे कई लोग क्लाइमेट चेंज लड़ने के लिए अपनी जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि क्या वाकई में इन छोटे छोटे बदलाव से क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को रिवर्स किया जा सकता है, क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो हम काफी देर कर चुके हैं और आने वाले समय में इसका नतीजा ये होने वाला है कि दुनिया के बड़े बड़े शहर का नामो निशान पूरी तरह से मिट जाएगा। चौंक गए ना? लेकिन दोस्तों ये बात सच है कि दुनिया भर में फेमस और खूबसूरत माने जाने वाले शहर कभी भी दुनिया से गायब हो सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कहीं आप भी तो इस शहर में नहीं रहते, क्योंकि इस शहरों की लिस्ट में भारत के भी दो शहर शामिल हैं। दोस्तों जैसे जैसे धरती पर मानव जीवन बढ़ता गया, वैसे वैसे धरती पर बदलाव आना शुरू हो गए। पहले इंसानों ने मैदानों को हटाकर वहां पर शहर बसा लिए, और जब मैदान खत्म हो गए तो जंगलों को काटकर वहां पर अपना बसेरा डाल लिया। इसके बाद कुछ नहीं मिला तो इंसानों ने समुद्र किनारे शहर बसा लिए। कुछ देशों ने तो अजब करिश्मा कर दिखाया और समुद्र पर आइलैंड बनाकर वहां पर ही होटल बिल्डिंग तैयार कर दी। इंसानों के प्रकृति के साथ किए गए छेड़छाड़ का ये परिणाम है क्लाइमेट चेंज। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं कि आखिर कौन से शहर जो डूबने की कगार पर हैं। ढाका, बांग्लादेश। समुद्र किनारे बसा ये शहर कभी भी समुद्र में समा सकता है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो बांग्लादेश क्लाइमेट चेंज के लिए उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है जितना की बाकी डेवलप्ड कंट्रीज है। लेकिन फिर भी आज ही डूबने की कगार पर है क्योंकि समुद्र के किनारे बसा हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो साल 2050 तक ढाका का 17% हिस्सा फ्लड से प्रभावित हो चुका होगा और यहाँ की 18 मिलियन आबादी यानी कि 1,80,00,000 लोगों को इस शहर छोड़कर जाना पड़ेगा। जकार्ता, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का जकार्ता शहर जावा के उत्तर पश्चिम तट पर सिलीवंग नदी के पास स्थित है। ये इंडोनेशिया की राजधानी और इंडोनेशिया का सबसे बड़ा शहर है। 2020 के सर्वे के मुताबिक इस शहर की कुल आबादी लगभग 1.06 करोड़ है। इस शहर में रहने वाले लोगों के पैरों तले जमीन खिसक रही है। ये शहर लगातार 25 सेंटीमीटर की रफ्तार से जमीन में धंसता जा रहा है। ये शहर पिछले 10 सालों में लगभग 2.5 मीटर जमीन के अंदर समा चुका है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक ये शहर सबसे ज्यादा तेजी से डूबता शहर है। पानी की जरूरत से ज्यादा यूज करने की वजह से जकार्ता अब जावा के समुद्र में तेजी से डूब रहा है। इस शहर के नीचे बड़ा दलदली इलाका बन गया है। ऐसा अनुमान है कि साल 2050 तक इस शहर के लगभग ज्यादातर हिस्से पानी में डूब जाएंगे। हाल ही में सरकार ने मजबूरन एक ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाने की परमिशन दी है जिसमें शहर को उसकी लोकेशन से तकरीबन 100 मील दूर बसाया जाएगा। इसमें लगभग 10 साल लग जाएंगे और लगभग $33 अरब की लागत इसमें लगेगी। दोस्तों अब जिस शहर का नाम हम बताने जा रहे हैं, उस शहर को कभी ना कभी देखने जाने का सपना आप में से बहुत से लोगों का जरूर होगा। आप में से बहुत से लोग शायद ऐसे भी होंगे जो शहर देख चुके होंगे, लेकिन जिनका ये सपना है, अगर हम उन्हें कहें कि अगर आपको ये सपना पूरा करना है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए क्योंकि आपका ये मनपसंद शहर डूबने वाला है, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ दोस्तों, ये शहर भी उन शहरों की लिस्ट में शुमार है जल्दी समुद्र में समा सकते हैं। बैंकॉक, थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है। ये शहर छाओ फारिया रिवर बेसिन के दक्षिण छोर पर बसा हुआ है। इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक 2030 तक ही ग्लोबल वार्मिंग का असर इस शहर को देखने को मिलेगा, यानी कि बस 8 साल बाद ये शहर बड़े खतरे में आ सकता है। ये शहर सी लेवल से बस 1.5 मीटर की ऊंचाई पर ही है। यहाँ पर हर साल मई से अक्टूबर तक लगभग 6 महीने तक बारिश का मौसम रहता है और इसीलिए यहाँ पर बाढ़ का आना बहुत नॉर्मल है। ये शहर हर साल 2 से 3 मीटर तक नीचे धस रहा है, यानी कि पानी के अंदर डूब रहा है। साल 2030 तक बैंकॉक के 40% हिस्से के डूबने की संभावना है। इसके अलावा यहाँ का समुद्र तल लगभग 15 सेंटीमीटर ऊपर उठने की भी संभावना है। साल 2080 तक यहाँ का समुद्री लेवल लगभग 88 सेंटीमीटर ऊपर उठने की संभावना है। इसके साथ यहाँ की मिट्टी थोड़ी सॉफ्ट है, इसीलिए हो सकता है कि अनुमानित समय से पहले ही बैंकॉक समुद्र में समा जाए। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 दशकों में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के चलते सबसे ज्यादा प्रभावित हुए देशों में थाईलैंड टॉप 10 देशों में से एक है। वेनिस, इटली। दोस्तों इटली का वेनिस शहर भी ऐसे शहरों की लिस्ट में शुमार है जिन पर क्लाइमेट चेंज का खतरा मंडरा रहा है। कभी भी ये शहर समुद्र के अंदर समा सकता है। वेनिस करीब 120 द्वीपों से बना हुआ है और पुलों की मदद से आपस में जुड़ा हुआ है। वेनिस एड्रियाटिक सागर के उत्तर पश्चिम की ओर एक झील में बसा है। इस शहर पर जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर पड़ने की संभावना है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में शहर तबाह हो सकता है। इस शहर पर एक साथ 2 खतरे मंडरा रहे हैं। एक तो यहाँ सी लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा है और दूसरा यहाँ की जमीन हर साल लगभग 2 मिलीमीटर अंदर तक धंसती जा रही है। यहाँ पर बाढ़ का खतरा भी बहुत मंडराता है।
वैसे तो यहाँ पर बेस्ट फ्लड डिफेंस सिस्टम है, लेकिन फिर भी साल 2020 में आई सेंट मार्क्स बेसिलिका की बाढ़ ने साबित कर दिया कि चाहे कितना भी तकनीकी रूप से अपने आप को बेस्ट कर लो, लेकिन प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती। मुंबई इंडिया। समुद्र किनारे बसा भारत का मुंबई शहर, जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, वो भी खतरे में। जियो फिजिकल रिसर्च लेटर्स में पब्लिश की गई एक स्टडी के मुताबिक मुंबई भी एक ऐसे शहरों की लिस्ट में शामिल है जो सबसे ज्यादा खतरे में। मुंबई भी लगातार जमीन के अंदर धंसती जा रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मुंबई हर साल 2 मिलीमीटर से भी ज्यादा रफ्तार से डूब रही है। बिना प्लानिंग के ग्राउंड वाटर पंपिंग इसकी एक बड़ी वजह है। यहाँ समुद्र का लेवल तेजी से बढ़ रहा है, जिससे यहाँ बाढ़ आने की घटनाएं भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस बाढ़ से समुद्र किनारे बसे हुए गांव बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक अरब सागर हर साल 0.5 से 3 मिलीमीटर तक बढ़ रहा है, जिसकी वजह से 2050 तक मुंबई के बहुत सारे हिस्से डूबने की कगार पर हैं। केरला का गांव। केरल के मनरोत्रुत्रु या मुनरो के कोल्लम जिले में ग्राम द्वीप बसता है। लगभग 13,500 की आबादी वाला ये द्वीप तेजी से डूब रहा है। दरअसल मनरोत्रुत्रु एक ग्राम पंचायत है और इसमें कुल 13 वार्ड शामिल हैं। इस द्वीप के बनने में कई शताब्दियां लगी हैं, क्योंकि यह कल्लड़ नदी के बाढ़ के पानी के साथ बहकर आई मिट्टी और गाद से बना हुआ है। बाढ़ के साथ बहकर जो मिट्टी आई है वो बहुत उपजाऊ थी। इस कारण यहाँ मैंग्रोव प्लांट बहुत तेजी से बढ़ गए और इस तरह इन पौधों ने मिट्टी को अपनी जड़ों से बांध कर रखा। यहाँ की मिट्टी काफी उपजाऊ थी, इसीलिए यहाँ किसानों ने आकर रहना शुरू कर दिया और चावल की खेती और नारियल के पेड़ लगाने शुरू कर दिए। पहले यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1986 में इसके डूबने की नींव पड़ी। दरअसल उस वक्त कल्लड़ नदी पर तैनमाला बांध का निर्माण काम शुरू हुआ था। यहाँ की मिट्टी को यहाँ पर होने वाली खेती और पेड़ पौधे ने बांध कर रखा हुआ था। ऐसे में जब इस जमीन पर डैम बनाया गया तो यहाँ की नाजुक मिट्टी से नहीं संभाल पाई। इसके बाद साल 2004 में जब थेनमाल बांध के साथ सुनामी आई, तब मैनग्रोव के काफी सारे जंगल तहस नहस हो गए। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि इसमें 13 वार्ड शामिल हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 13 वार्ड में से लगभग 10 वार्ड जो हैं वो लगभग डूब चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों, कोलकाता की भी तेजी से डूबने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। क्लाइमेट सेंट्रल नाम के एक प्रोजेक्ट ने ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ते खतरों को लेकर 9 शहरों की लिस्ट तैयार की है, जिसमें कोलकाता को भी शामिल किया गया है। यहाँ बारिश के मौसम में बाढ़ जैसे हालात हमेशा पैदा हो जाते हैं और पानी जमीन के अंदर जाता है, इसीलिए इसके डूबने के अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे वो शहर जो ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते प्रभाव के कारण खतरे में बने हुए हैं और कभी भी ये दुनिया के नक्शे से गायब हो सकते हैं। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय और ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे इन शहरों को बचाया जा सकता है, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।